ओटा सब दे जवानियां जाने राम केड़ा न्याणा 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 ऐसा गुरु की बाणी आखती है कहते माथे तिलक हाथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना मथे तिलक भी ला ले माला भी फड़ ली हाथ दे वेच बाना भी पालिया पर रब नू रब करके नहीं गुरु नू गुरु करके नहीं गुरु नू केवल खड़ौना करके जान दे बहुत भैर ही रहा सतगुरु का हम स्कूल टीचर अध्यापक होंगे ना जेड़ा सबजैक्ट उन्होंने दिता होंगे बी तू अंग्रेजी पढ़ानी है वो जेड़ी किताब दे विच है उन्नी ही पढ़ाएगा बाहरों नहीं पढ़ाऊंगा उन्हें पता है भी बाहरों पढ़ा के मैं टाइम खराब करांगा बाहरों तो पेपर आना नहीं सवाल कोई आना नहीं सब्जेक्ट तो बाहर जाके किताब तो बाहर जाके पढ़ावांगा उहदा की फायदा मास्टर नूं तनखाह मिलदी है अपने सब्जेक्ट तो बाहर नहीं जांदा पर इत्थे साडे वर्गे गुरु दी हजूरी दे विच बह के गुरमत तो बाहर चले जांदे अपने मन घड़त गल्लां सुनाई जांदे महाराज दी हजूरी च एक अध्यापक नहीं जांदा बाहर अपने सब्जेक्ट तो जो किताब विच है उन्ने ही पढ़ाउणा इह तां साडा गुरु है गुरु तो बाहर गुरमत तो बाहर अपने मन मुताबक अर्थ करके सुना देणे जेड़े बहुती बाणी नहीं पढ़ते बहुता गुरुद्वारे नहीं आते उन्हां नूं भाई ओह ही अर्थ चंगे लग जाते लोग गुमराह हो जाते भाई हां जेड़ा फलाने ने बोलिया सच है गुरु की बाणी दे उत्ते यकीन नहीं हुंदा गल्लां ते आ जाता आम बंदे दीयां कईयां गल्लां ते यकीन आ जाता अज दा बंदा एक गाउण वाले ते यकीन कर लैंदा गाउण वाले ते गंदे मंदे गीत लड़ाइयां झगड़िया वाले गीत उहदे ते साडी नौजवान पीढ़ी यकीन कर लैंदी उहो जे बणन दी कोशिश करदी है पर गुरु की बाणी दे उत्ते विश्वास नहीं करदे यकीन नहीं करदे जिन्हें साडे जीवन दे विच हकीकत हकीकत दे रूप दे विच उतरना जिन्हें साडा सारा ही जीवन सफला करना